स्टडी, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, वॉवेल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे उसका कोई पैसा नहीं लगता है। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और फिर बेल आइकन आता है उसे भी टच कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है वॉवेल्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे वॉवेल्स। ओके, सो आपको वॉवेल्स कैसे समझाना है मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। मैं आपको एक अच्छे से ट्रिक बताऊँगी। ओके, सो हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर? यस, 5 वॉवेल्स। ओके, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ओके, सो कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, है ना। सो तो आपको ये क्या दिख रहा है? अल्फ़ाबेट, है ना। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट जो है जिसमें से निकला है वॉवेल्स। ओके, वॉवेल्स यानी कि बिना टच किए अपने लिप को हम उसके साउंड को बोल सकते हैं। सो आप भी ट्राई करना चाहेंगे? ओके, सो स्टार्ट। ओके, आप भी मेरे साथ साथ इसे बोलेंगे। ओके, ए ई आई ओ यू। तो अब इसको एक बार आप दोहराइए। ओके, गुड। सो ए वॉवेल्स है ना। ओके, ई हमें इसमें से चुनना है। ओके, ए ई। ओके, देन आई ओ एंड यू। ओके, सो ये क्या हो गया? वॉवेल्स हो गया, ए ई आई ओ यू, ई ई आई ओ यू। ये क्या हो गया? वॉवेल्स हो गया। बाकी जो बचे वो उसे क्या कहते हैं आपको पता है? कॉन्सोनेंट कहते हैं, है ना। बाकी जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। ओके, तो हमने 5 वॉवेल्स जिसमें से अल्फ़ाबेट में से 5 वॉवेल्स निकालो तो हमारे पास कितने बच गए? 21, है ना। सो आपको ये कैसा लगा टॉपिक? बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप इसे लाइफ टाइम याद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और नए तरीके से बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ए और एन के बारे में। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, ओके, लाइक बॉय। ओके, इस तरह से हमने कोई वर्ड लिखा, एप्पल। ओके, तो हमें समझना है सबसे पहले कि जो वर्ड लिखा है उसके सबसे फर्स्ट लेटर में क्या है। ओके, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे पहचानना है, अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा है, ओके, तो बी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? अगर बी रहेगा तो हमें यहाँ पे करना है ए, यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ओके, देन ये क्या है? ए। ओके, तो आप चेक करिए कि हमारे वॉवेल्स में ए है क्या, है ना, ए। तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? ए और एन। अगर कॉन्सोनेंट सबसे फर्स्ट लेटर में कॉन्सोनेंट मिलता है आपको तो ए लगता है, और अगर वॉवेल्स होता है तो क्या लगेगा? ए और एन लगेगा, एन यानी कि। ओके, ठीक है, लाइक सी ए टी कैट। ओके, तो आपको ये फर्स्ट लेटर में क्या दिखा? सी। सी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। ओके, देन एलिफेंट। तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या वॉवेल्स में ई है क्या, है ना,
गुड, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए और एन लगाना होगा. ओके, तो अब कितना इजी है ना इसे समझना, आपने इस तरह से समझ लिया, मैं आपको एक और नए तरीके से समझाऊंगी. ओके, सो सबसे पहले तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. सो अब हमें क्या करना है, रीड करना है. ओके, लुक लुक एंड रीड साउंड. ओके, ए मैन वैन रैट बैट. ए ए आ रहा है ना, ए बिना टच किए हुए आप अपने टंग को बिना टच किए बोल सकते हो. ओके, फिर से ए मैन वैन रैट बैट. ओके, सो ई हेन पेन बेड रेड. ओके, जब आपने ये देखा होगा कि जब ई आ रहा है तो हमारा लिप टच नहीं हो रहा है ना. ओके, आई पिन टिन बिब निब है ना, पिन टिन बिब निब. ओके, सो कितना इंटरेस्टिंग है ना, गुड. ओके, देन ओ ओ डॉग लॉग पॉट डॉट. ओके, सो यू यू टच नहीं ना हुआ यू. ओके, बन सन बस हट. ओके, बन सन बस हट. ओके, हेलो. सो मैं आपको क्विकली एक ट्रिक बताती हूँ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हाउ मैनी फिंगर्स आर इन माई हैंड, फाइव फिंगर्स. वॉवेल भी फाइव होते हैं है ना, सो हमारे फिंगर में भी फाइव फिंगर होते हैं ना. सो जैसा कि मैंने इस वाले फिंगर में बनाया है. ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से आप बना लीजिए. ओके, तो मैंने फाइव वॉवेल्स फिंगर पे लिख लिया है, ए ई आई ओ यू. ओके, फाइव फिंगर्स मैंने लिख लिया, फाइव फिंगर्स में मैंने वॉवेल्स लिख लिया. ओके, मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताती हूँ. ओके, बहुत ईजिली आपको दो मिनट में याद हो जाएगा वॉवेल्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ए ए फॉर एंट. ओके, एंट. ई ई फॉर एलिफेंट. ओके, एक एंट थी और एक एलिफेंट. ओके, ये दोनों क्या थे, फ्रेंड थे है ना. एंट और एलिफेंट क्या थे, ये दोनों फ्रेंड थे. ओके, आई. ओके, आई आइसक्रीम. आई फॉर क्या होता है, आइसक्रीम होता है ना. सो एंट और एलिफेंट क्या सोच रहे थे, आइसक्रीम खाने के लिए सोच रहे थे. क्या सोच रहे थे, आइसक्रीम खाने के लिए सोच रहे थे है ना. तो ए और ई यानी कि एंट और एलिफेंट क्या थे, फ्रेंड थे. और वो क्या सोच रहे थे, क्या उन्होंने प्लान बनाया, आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया. ओके, सो ओ कौन से फ्लेवर का, ऑरेंज फ्लेवर का. ओके, कौन से फ्लेवर का, ऑरेंज फ्लेवर का. ओके, सो एक एंट और एक एलिफेंट थे, वो दोनों फ्रेंड थे, उन्हें क्या खाना था, आइसक्रीम खाना था. ओके, कौन से फ्लेवर की, ऑरेंज फ्लेवर की. एंड अंडर द अम्ब्रेला यू है ना, अंडर द अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. ओके, एंट और एलिफेंट फ्रेंड थे, उन्हें क्या खाना था, आइसक्रीम खाना था. कौन से फ्लेवर का, ऑरेंज फ्लेवर का. कहाँ, अंडर द अम्ब्रेला. सो कितना इजी है ना, इस तरह से आप अपने फिंगर में ए ई आई ओ यू बना लीजिए और इस तरह से आप याद करेंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो गया. तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ए फॉर एंट, ई फॉर एलिफेंट. एंट और एलिफेंट क्या थे, दोनों फ्रेंड थे, उन्हें क्या खाना था, आइसक्रीम खाना था. ओके, ओ ओ फॉर
ऑरेंज, ऑरेंज फ्लेवर का, ओके। तो हो गया ये यू। उन्हें कहाँ खाना था? अंडर द अम्ब्रेला। कितने इजी, मैंने आपको बता दिया ना, इस तरह से आप बना लेंगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक पढ़कर? सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ओके।